तीसरे चरण के चुनाव में रामपुर के कई बूथों पर ईवीएम खराब होने से वोटरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वोट डालने आए तमाम लोग ईवीएम ठीक होने का इंतजार करते रहे। ईवीएम की खराबी पर लोगों ने नाराजगी भी जताई। आपको बता दें कि जिले के पीपली शिवनगर गांव में ईवीएम खराबी के कारण सवा घंटे बाद पोलिंग शुरू हो सकी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सफदर हसन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सफदर, ईवीएम में खराबी क्यों पड़ी, मतदाताओं पर भारी, क्या कहेंगे आप सफदर? सर, जो कि इस बात सामने आ रही है, जहां भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अक्सर ईवीएम खराब होने की बात वहीं पे सामने आ रही है सर। और जिसको लेकर विधायक अब्दुल्ला आजम ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस पर प्रशासन ने सफाई देते हुए कि ईवीएम तो खराब हुए थे लेकिन वो टाइम से पहले सही करा दिए गए, लेकिन अब्दुल्ला आजम ने कहा कि जानबूझकर प्रशासन भाजपा को सपोर्ट कर रहा है और मुस्लिम क्षेत्रों में ईवीएम खराब करा रहा है। सफदर हसन, कई बूथों पर ईवीएम खराब होने से मतदान देरी से शुरू हुआ, क्या कहेंगे आप? सर, इससे काफी चुनाव प्रभावित हुआ है और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ईवीएम खराब होने से, जो कि माना जाता है कि रामपुर की काफी हॉट सीट है, रामपुर की हॉट सीट पूरे भारत में हॉट सीट के नाम से जानी जा रही है, यहाँ पर सपा के कद्दावर नेता आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसी को लेकर प्रशासन पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि जानबूझकर तुम भाजपा को सपोर्ट कर रहे हो और समाजवादी को नुकसान पहुंचा रहे हो। सफदर हसन, मैं जानना चाहूंगा किसकी लापरवाही से हुआ ऐसा, क्या किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है? सर, जब पूछा गया इस पर कई लोगों को मीडिया से जब बातचीत में बात सामने आई तो वो आई लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, तो इन्होंने ईवीएम वीपीएड मशीन की ट्रेनिंग सही से न लेने के कारण और ईवीएम में चुनाव देरी से शुरू हुआ है, तो ये लोग ईवीएम को अच्छे से सुचारू रूप से चालू नहीं करा पाए। अधिकारी कोई भी सामने आने से बच रहा है और वो फिर भी यही कहकर छूट रहे हैं कि इन लोगों ने जो ट्रेनिंग ली थी वो सही से नहीं ले पाने के कारण ईवीएम अच्छे से सुचारू नहीं हो पा रहा। सफदर, ईवीएम में खराबी के चलते मतदाता भी परेशान रहे, तो मतदाताओं का क्या कुछ कहना है अगर आपने उनसे बातचीत की हो? सर, इस बात को लेकर के मतदाता भी काफी निराश हैं, घंटों घंटों लाइन में लगे हैं, अपने वोट का डालने का इंतजार कर रहे हैं और मतदाताओं का भी यही कहना है कि आज पर घपलेबाजी है और वो लोग पूरी तरह से आरोप लगा रहे हैं कि ये सब घपला करा रही है, भाजपा सरकार घपला करा रही है, प्रशासन के कहने पर ईवीएम खराब हो रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ईवीएम खराब होने का क्या मकसद है? रामपुर में देखा जाए तो 300 से भी ज्यादा ईवीएम मशीनें खराब हैं, घंटों घंटों चुनाव प्रभावित रहा, जिससे चुनाव प्रतिशत भी पूरी तरह से प्रभावित होगा, जिसका पूरा फायदा भाजपा को मिलेगा ही। सफदर, प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कहते नजर आए हैं इस बारे में? सर, इस बाबत रामपुर के अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी ने बयान भी दिया है और उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है और ये जो ईवीएम खराब होने वाली बात है, ये सपा के विधायक अब्दुल्ला आजम गलत आरोप लगा रहे हैं और ईवीएम जहाँ जहाँ खराब थे तो प्रशासन जल्द से जल्द चालू करा दिए गए, लेकिन प्रशासन के सर यही 1000 तो बचता नजर आ रहा है। जी, शुक्रिया सफदर आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, कुछ भी अपडेट होगा तो हम आपका फिर से रुख करेंगे।